इस टोपी का क्या राज है मलिक साहब? इस हिमाचली टोपी है तो रमेश कौशिक या पहरा कर मैंने सोचा कभी इससे अपने बात भी कर दी मलिक साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की पंचायत पर। बहुत धन्यवाद आपका। तबीयत कैसी है जी आपकी? तबीयत बिल्कुल ठीक है। यंग फील कर रहे हो? बिल्कुल, मुझे कोई बीमारी नहीं है क्योंकि राजनीति में दो किस्म के आदमी होते हैं जी। एक भूखे मरते हैं, एक ज्यादा खा के मरते हैं। उन भूखे मरने वालों में से मैं हूँ। इसलिए जो कम खाता है उसकी सेहत ठीक रहती है। ये राजनीति की जो ललक थी, ये आपको जवानी में कैसे लगी? क्या मन में आया कि राजनीति? एक्चुअली मैंने भैंसवाल कलां से मैट्रिक पास करने के बाद जी एक साल रहा मैं आगरा जी, NDA की तैयारी के लिए जी। कोचिंग सेंटर था वहाँ, एक पंडित जी थे पिनाणे के, एयरफोर्स में थे, उनका हमारा संबंध था, वो मुझे ले गए जी। मैं रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर गया लेकिन मैं इंटरव्यू में रह गया जी। और मतलब फाइनल ये है कि मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। फिर अगले साल एक साल खराब करने के बाद मैं आर्य कॉलेज पानीपत में 11वीं में दाखिला ले लिया जी। चौधरी धर्म सिंह राठी MLA होते थे उन दिनों जी। चौधरी धर्म सिंह राठी हमारे इनडायरेक्टली एक रिश्ते में थे, उनके साथ गाड़ी में बैठे बैठे घूमते थे जी। तो वहाँ मैं NCC ज्वाइन कर ली। मैं NCC का अंडर ऑफिसर रहा आर्य कॉलेज पानीपत में, और वहाँ मॉक पार्लियामेंट होती है, शायद आजकल भी होती होगी, उसमें मुझे रोल दे दिया प्राइम मिनिस्टर का जी। नेहरू जी की तरह अचकन और एक इतना डंडा सा वो भी मेरे लिए लाए जी। और दो साल तक मैं मॉक पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर का रोल करता रहा। उसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी में LLB में दाखिला हो गया जी। वहाँ मैंने चुनाव लड़ा सुप्रीम काउंसिल का, वहाँ सुप्रीम काउंसलर बन गया जी। आपके रोहतक के मेरे साथी थे कई, महेंद्र सिंह मलिक थे कलाड़ वाले जी, जगमोहन मित्तल मारुति वाले, ये हम इकट्ठे ही थे सारे। तो उसके बाद मैंने एक साल में रोहतक में रहा लॉ क्वालिफाई करने के बाद जी। क्योंकि हमारे टाइम कानून ये था कि लाइसेंस जब मिलेगा वकालत का, जब आप एक साल कम से कम 10 साल की स्टैंडिंग के वकील के पास रहोगे, 10 साल जिनका एक्सपीरियंस है उनके पास आपको काम करना पड़ेगा, 10 साल से ज़्यादा के रहना पड़ेगा जी। चौधरी लहरी सिंह थे, वो पॉलिटिक्स से रिटायर होकर जी, वो MP भी रहे, मिनिस्टर भी रहे जी 46 से, मैं उनके पास रहा। तो एक साल के बाद लाइसेंस मिल गया, लेकिन मुझे थोड़ी थोड़ी रमक राजनीति की थी क्योंकि मैं कॉलेज में भी फैकल्टी में भी चुनाव लड़ता रहा और मैं गोहाने बैठ गया जी। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, तो फिर 68 में कांग्रेस का मेंबर बन गया 1968 जी, जब मैं गोहाने प्रैक्टिस शुरू की। और भगवान की बस की बात है, मैं तो एक साधारण किसान का बेटा हूँ, वकालत इतनी ज़बरदस्त चली, मेरी खुद समझ में नहीं आता इतनी ज़बरदस्त कैसे चली। हालांकि एक महीना मैं बैठा नहीं गौण है जी, मैं अड़ गया कि मुझे एक कार दिलाओगे तो मैं जाऊँगा नहीं तो नहीं जाऊँगा। फिर मुझे जीप दिलवाई, और उस टाइम कार या जीप किसी के पास होना बहुत बड़ी बात थी जी। तो मेरी वकालत बहुत बढ़िया चली। उस टाइम तो शायद जो MLA थे अपने विधानसभा में, उनके 2-3 MLO के पास शायद कार थी। सोनीपत गोहाने के अंदर सिर्फ 3 कार थी, एक मेरे पास जी,
एक पंडित रामधारी गौड के पास, वो मंत्री थे प्राइवेट, उनकी एक अलग कार थी। एक सतवीर सिंह मलिक ठेकेदार थे उनके पास। बाकी महम गोहाना तहसील मीन्स अप टू महम तक, बहनी ये बहनी चंद्रपाल और ये वहाँ तक सब जी, ये एक ही तहसील थी। 72 में अलग हुए जी, चिड़ी से इधर का एरिया और रोहतक में मिला दिया। तो उस टाइम में मेरा इंटरेस्ट बनता चला गया। फिर 77 में कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हार गई। चौधरी रणबीर सिंह हरियाणा स्टेट कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जी। चौधरी रणबीर सिंह ने मुझे लैंडलाइन होता था, 151 नंबर था मेरा, बहुत थोड़े से टेलीफोन थे जी, कुल 151। उन्होंने टेलीफोन किया, भाई तेरे को टिकट अथॉरिटी लेटर बोलते हैं टिकट को, कि अथॉरिटी लेटर आपके पास भेज देंगे, फार्म भर दो। और साहब मैंने फार्म भर दिया तो मैं तीसरे नंबर पर आया। ये कब की बात है सर? ये 77 जी। तो उसमें पंडित रामधारी गौड नंबर 2 पर थे जी, और गंगाराम था मुडलाने गांव का, गंगाराम लंगड़ा कहते थे, चौटाला साहब की तरह ही था जी, वो इलेक्ट हो गया था। और हमारा तीनों का 1100 वोटों का ही डिफरेंस था। तो इतने बुरे टाइम में मैंने वो चुनाव लड़ा। कितना खर्च हुआ था आपका पहले चुनाव में, पैसे कितने लगे थे? सिर्फ 27,000 रुपये। 27,000 रुपये में पहला चुनाव लड़ा? 27,000 रुपये। उससे पहले 72 में मैं बन गया था ब्लॉक समिति गोहाना का मेंबर जी, लेकिन चेयरमैन नहीं बन सका, काफ़ी फाइट की जी। तो फिर 77 में हमें रुपए आ गए 28,000 पब्लिक में से जी, और खर्च हुए 27,000, 1,000 बच गए जी। तो मेरा इंटरेस्ट यही रहा। वो 1,000 का क्या किया जो बच गए थे? वो जो बच गए थे उनमें लोगों को लाडू खुवा दिए ठा के। अच्छा अच्छा जी। मतलब मैंने पॉलिटिक्स से कोई कमाया नहीं जी। फिर 82 में मुझे टिकट नहीं मिला, 77 के बाद जी। फिर 84 में मुझे टिकट दे दिया। 84 के इलेक्शन में मेरा और चौधरी देवीलाल का मुकाबला था जी, और मैं 4200 वोटों से जीता था जी। उस इलेक्शन में मेरे खर्च हुए थे 31-32 लाख। वो उस टाइम आप एमपी बने थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सोनीपत से जी। 31-32 लाख रुपए थे। 31-32 हज़ार नहीं, 31-32 लाख रुपया खर्च हुआ उस टाइम। खर्च हुआ उस टाइम जी। 5-1 लाख मेरे पास थे जी। 5 लाख पार्टी ने दिए जी, बाकी लोगों ने दिए। जब इलेक्शन हो गया और मैं जीत गया, क्योंकि उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मेरे चुनाव में राजीव गांधी आए थे सोनीपत जी, और स्टेज से जब मैं बोला तो मैंने ऐलान कर दिया था कि भाई अब मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गया जी। आज तक वकालत करता था, अब मैं ज़िंदगी में चाहे हार हो चाहे जीत हो फीस लेके कोर्ट में दाखिल नहीं होगा, वकालत नहीं करूँगा। मैंने वो छोड़ दी। उस टाइम वो वही दौर था जब चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल की आपस में खिंचातानी थी और जबरदस्ती पर्चा भरा था उन्होंने सोनीपत से। जबरदस्ती नहीं, 1983 में बाई इलेक्शन हुआ था जी सोनीपत का जी। उस बाई इलेक्शन में किताब सिंह मलिक कैंडिडेट था जी, चौधरी चरण सिंह के लोकदल से जी, और चौधरी देवीलाल कैंडिडेट थे अपनी पार्टी से, जनता पार्टी से, और चौधरी डिजिक राम कैंडिडेट थे कांग्रेस से। उस टाइम लोकदल के 2 फाड़ थे, लोकदल ए और लोकदल बे बोलते थे जी। उसमें चौधरी डिजिक राम 13,000 वोटों से जीत गया जी। फिर 84 में इलेक्शन हुआ, ये बाई इलेक्शन था 83 का जी। 84 में इलेक्शन हुआ, किसी कारण से चौधरी डिजिक राम चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे जी, वो बीमार रहते थे, तो मुझे टिकट दे दिया। मैं जिस टाइम मुझे मेरा टिकट डिक्लेयर हुआ तो ये मान लिया गया, क्योंकि इन द मेन टाइम दोनों लोकदल इकट्ठे हो गए जी, चौधरी चरण सिंह चौधरी देवीलाल। उससे पहले चौधरी देवीलाल की टिकट डिक्लेयर की हुई थी सोनीपत से, चौधरी देवीलाल नॉमिनेशन फाइल कर चुके थे, लेकिन
उनकी पार्टी ने डिसीजन लिया कि चौधरी चरण सिंह को बागपत की बजाय सोनीपत से लड़ाया जाए जी, क्योंकि चौधरी चरण सिंह की ससुराल हरियाणा में है जी, नंबर एक। नंबर दो, चौधरी चरण सिंह की जरूरत पड़ेगी सारे हिंदुस्तान में जी, और नज़दीक होगा और वो सारे के जा आ सकते हैं। लास्ट डे उनका कर दिया, और लास्ट डे ही मैंने नॉमिनेशन फाइल करना था, चूँकि देवीलाल नॉमिनेशन पहले फाइल कर चुके थे जी। तो उसमें चूँकि जिस टाइम हम वहाँ नॉमिनेशन के लिए आए हुए थे सोनीपत, तो हमारे 7 आदमी होंगे मेरे ख्याल में 10-12-14 हज़ार जी, क्योंकि मेरा तो बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन था, चूँकि देवीलाल जैसे बड़े राजनीतिक आदमी के मुकाबले में इलेक्शन था, हमने चारों तरफ से लोग इकट्ठे किए। उसमें वहाँ हम खड़े ही थे, कोर्ट के में पहुँचे भी नहीं थे, बीच में ही थे, हमारा जुलूस आ रहा था। हमारे बराबर से निकले चौधरी चरण सिंह जी, और बहुत पुलिस की ड्यूटी लगी हुई थी, और हमारी समझ में नहीं आया कि हमारे लिए तो इतनी पुलिस लगा नहीं सकते, कोई न कोई बात है। तो हमारे कुछ आदमियों ने पहचान लिया कि चौधरी चरण सिंह आ गए भाई जी, और मैंने कहा भाई मैं चौधरी चरण सिंह से मिलता हूँ, अपने काफले को छोड़ कर मैं चौधरी चरण सिंह के पास पहुँचा। चौधरी चरण सिंह बैठे हुए थे सोनीपत बार में, सारे वकील थे टोटल, और चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल और एक रिटायर्ड जज थे हाई कोर्ट के, यूपी हाई कोर्ट के मलिक थे वो भी जी, और उनके और सीनियर लोग, और सामने सब बार एसोसिएशन सोनीपत के मेंबर थे। मैं वहाँ चला गया, चौधरी राजेंद्र सिंह मिनिस्टर होते थे, वो मेरे बहुत पक्के आदमी थे, बल्कि मैं उनका पक्का था, वो तो मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने कहा भी भाई क्या करेगा वहाँ, माजी मैं आशीर्वाद तो लेकर आऊँ जी, बड़े आदमी हैं। तो मैं वहाँ गया तो मैंने चौधरी चरण सिंह को नमस्ते चौधरी साहब, वो मुझे शक्ल से नहीं जानते थे, नाम नाम से जानते थे जी, बोले आ जा भाई बैठ जा। मैंने कहा चौधरी साहब मैं बैठता नहीं, मैं तो आपका राइवल कैंडिडेट हूँ धर्मपाल सिंह मलिक। चौधरी चरण सिंह खड़े हो गए, उन्होंने मेरी जफ्फी भर ली, मैं जी मैं तो आशीर्वाद लेने आया हूँ जी, और हमारी बिरादरी के बहुत बड़े नेता हैं। वो गोड़ मोड़ करते रहे, अब आशीर्वाद दें तो मैं एक्सप्लॉइट करूँगा गाँव में जाके, कोई बात नहीं भाई लड़ेंगे। माँ जी नहीं आशीर्वाद चाहिए मुझे तो आपका जी, जो कर बाढ़ चिपट गया अगर मैंने कर दिया जी। चौधरी देवीलाल दुखी हो गए, बोला धर्मपाल मैं दूंगा भाई आशीर्वाद, माँ जी आप दे दो, आप भी बड़े नेता हो जी, हमारी गली की शादी आपकी जूतियाँ। चौधरी देवीलाल एकदम से गुस्से में बोले अरुण नेहरू से लिया। चौधरी देवीलाल बहुत सियाने पॉलिटिशियन थे जी, तो मैं समझ गया किस लिए कह दिया अरुण नेहरू से लिया। मैंने कहा जी अरुण नेहरू के आशीर्वाद से तो मैं यहाँ तक आ गया, आगे तो आपका ही चाहिए जी, मुझे ना मैदान में ही देंगे आशीर्वाद देना। हालांकि चूँकि अरुण नेहरू मेरे को क्या जाने क्या, कोई बात नहीं चीज नहीं। तो साहब मैं एकदम उड़ गया, चूँकि चरण सिंह इस बात को महसूस कर गए, जो मेरा अपना अंदाजा है जी, कि भाई चौधरी देवीलाल ने इस लड़के को क्यों छेड़ा बिना वजह, और उन्होंने एकदम से ये कह दिया लाओ भाई नॉमिनेशन और चलो। मैं भी वापस हो लिया और वो डीसी कोर्ट में चले गए, उन्होंने अपने दस्तखत मारे, चारों सेट दे दिए। तो आपकी वजह से नॉमिनेशन नहीं भरा, फॉर्म नहीं भरा उन्होंने? नहीं भरा। अच्छा आपकी वजह से भरा, वो डिस्कशन हो रहा था? नहीं नहीं नहीं, जब मैं वहाँ उन चौधरी चरण सिंह ने जो आखिरी डेट थी नॉमिनेशन फाइल, उससे पहले दिन शाम को सोनीपत में अपनी पार्टी के नेताओं को टेलीफोन कर दिया जी, कि भाई मैंने सोनीपत से नॉमिनेशन फाइल करना है लोकसभा का जी, मेरे चार सेट, क्योंकि मैक्सिमम चार सेट ही दाखिल कर सकते हैं कानून जी, चार सेट तैयार कर लो। उन्होंने चारों सेट तैयार कर लिए, प्रोपोजर भी सेकेंडर भी, क्योंकि प्रोपोजर और सेकेंडर उसी कंस्टिट्यूंसी का वोटर होता है, बाहर का हो नहीं सकता जी, लेकिन लोकसभा में कैंडिडेट थ्रू आउट इंडिया कहीं का भी हो सकता है जी। तो उन्होंने वो चार सेट तैयार कर लिए, लेकिन उन्होंने दो जगह खाली रख ली, चौधरी चरण सिंह के दस्तखत जी एप्लीकेंट के, और एज
एज इनको पता नहीं थी एग्जैक्ट, इतने पुराने आदमी की क्या एज लिखनी है जी, जो प्रधानमंत्री भी रह चुके उसकी गलत एज तो लिख नहीं सकते जी। तो वो चौधरी चरण सिंह चिढ़ गए कि भाई देवीलाल ने इसको धर्मपाल को क्यों छेड़ दिया बिना मतलब, और उन्होंने कहा लो सेट दो भाई और वो नॉमिनेशन फाइल कर अपने मार के दस्तखत कर दिए, वो जगह खाली रहेगी एज की, इसलिए वो कैंसिल हो गया। इसलिए कैंसिल हुआ था क्योंकि एज भरी ही नहीं जी। मुझे पता लग गया कि चरण सिंह ने तो एज ही नहीं भरी। डीसी था वीएस चौधरी, जो रिटर्निंग अफसर होता है, जो डीसी होता है लोकसभा में, उनसे मेरी मैंने संपर्क किया, बोला भाई उन चरण सिंह ने तो दस्तखत ही अपने एज फाइल नहीं की, एज भरी नहीं अपने नॉमिनेशन में। बोले क्या होना चाहिए, आप बहुत सीनियर वकील हो, मगर जी रिजेक्ट होना चाहिए, इज ए कैंडिडेट फॉर सोनीपत लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, इज नॉट एक्स प्राइम मिनिस्टर, इज नॉट एक्स चीफ मिनिस्टर, इज सिंपल सिटीजन ऑफ द कंट्री, इज सिंपल वोटर। अगर मैं अपनी एज नहीं भरूँ मेरा फार्म भी तो कैंसिल होगा। बिल्कुल जायज़ बात है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, फिर सारी हमारी बात हो गया, अगले दिन स्क्रूटनी थी। आपको ये नहीं लगता कि ये जो चीज़ है, जो एज वाला जो खाली रह गया, ये चौधरी देवीलाल ने पहले नॉमिनेशन फाइल कर दिया था, तो हो सकता है कि उनके समर्थकों ने या कुछ मिली जुली करके वो चीज़ ऐसे करवा दी हो? नहीं, वो कैंसिल ऐसा हो नहीं था, ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि वो उन्होंने टेक्निकली ठीक कर रखा था जी, क्योंकि उनको एज नहीं पता था। और इतने बड़े आदमी को टेलीफोन करो जी क्या एज है, कि दो जगह खाली रख ली उन्होंने, और वो चौधरी चरण सिंह ने देखे नहीं, वो चौधरी चरण सिंह ने ध्यान नहीं रहा, ना बताई ना बताई उन्होंने वो एक तरह से, क्योंकि जब मेरे को चौधरी देवीलाल ने छेड़ दिया जी, चौधरी चरण सिंह ने इस चीज़ को माइंड किया। चौधरी चरण सिंह बहुत स्टैंडर्ड के राजनीतिक आदमी थे, घटिया आदमी नहीं थे, वो बहुत ही स्टैंडर्ड के आदमी थे। तो फिर उनका तो फार्म कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद एक हफ्ता हमारा चुनाव नहीं चला, क्योंकि चौधरी देवीलाल फील्ड में रह गए जी। चौधरी देवीलाल ने सब गाँव में घूमना शुरू किया और ये कहा कि भाई ये तो जान पूछ के उनकी एज मिटवा दी, भजन लाल चीफ मिनिस्टर था, भजन लाल ने उनकी उम्र मिटवा दी जी, और सहानुभूति की वोट मिले, ताकि सहानुभूति की वोट मिले। और मैं ये कहता मैं भी झूठ बोल रहे और वो भी झूठ बोल रहे, चौधरी देवीलाल तो यह झूठ बोल रहे कि उनकी एज मिटवा दी जी, और मैं यहाँ झूठ बोल रहा भाई, ये सारी शरारत चौधरी देवीलाल की थी, थी किसी की नहीं। अच्छा, आपने ऐसा कहा था इलेक्शन में कि चौधरी देवीलाल कि चौधरी देवीलाल ने ये करी, मेरे इसकी बेइज्जती करो बुढ़ेगी जी, हालांकि मैं भी गलत बोल रहा था और चौधरी देवीलाल भी गलत बोल रहे थे जी, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन एक दूसरे की काट करते थे। 7 दिन के बाद केस चला और फिर उसके बाद मैं जीत गया, फिर मेरे खिलाफ इलेक्शन पिटीशन कर दिया, चौधरी चरण सिंह बागपत से इलेक्ट हो गए जी, और मैं सोनीपत से जी। मैं चौधरी चरण सिंह के पास बहुत बैठता, चौधरी चरण सिंह ने एक दिन कहा भाई वो आया था सारा नेता देवीलाल जी, और वो यूँ कहता कि भाई आप नॉमिनेशन फाइल आप पिटीशन कर दो धर्मपाल के खिलाफ। मैंने कहा क्यों, कि जी आपकी उम्र नहीं लिखी हुई थी, कि मेरी गलती थी धर्मपाल की गलती थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कोर्ट में जाके कि भाई मेरी मिटा दी, फलाना कर दिया, देखड़ा कर दिया। मतलब उसका इतना ऊंचा स्टैंडर्ड था उस आदमी का, ही ब्लंटली रेफ्यूज्ड कि नो ये मेरी गलती थी, मैंने अपनी एज नहीं भरी। और धर्मपाल के सिर पर ये कहते हैं कि यूँ कह दो जी वो मिटा दी, कैसे मिटाई जा जी, वो तो दिखेगी मिटी हुई। इन्होंने नॉमिनेशन वो कर दिया, इलेक्शन पिटीशन कर दिया मेरे खिलाफ। इलेक्शन पिटीशन में पली दूसरी ले ली, ये नहीं ली जी कि मिटा दी, क्योंकि वो हाई कोर्ट के जज के सामने क्लियर दिखेगा मिट रही है या वैसे ही है जी। वहाँ ये पली ले ली कि जी वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं जी, वो एक्स एमपी भी हैं, वो एक्स चीफ मिनिस्टर भी हैं, एक्स एमएलए भी रहे जी, और वो तो एक सबको ज्ञान था कि भाई ही वाज मोर देन 25 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि जो बेसिक क्वालिफिकेशन है एज 25 साल से ऊपर होना चाहिए जी लोकसभा के लिए, कि ये सबको ज्ञान है चरण सिंह की ये उम्र है।
मेरी ये अपील रही कि भाई इसका मतलब तो ये हुआ, फिर नॉमिनेशन भी फाइल करने की जरूरत नहीं थी, सबको पता था, वैसे ही कदम में भी खड़ा हूँ भाई जी, ये कैसे हो सकता है। सो फार एज द कैंडिडेटचर इज कंसर्न, मैं और चौधरी चरण सिंह बराबर हैं, वो भी कैंडिडेट मैं भी कैंडिडेट, सच बात है। जो चीज़ मेरे ऊपर एप्लीकेबल है वो चरण सिंह पर भी एप्लीकेबल है, और मैं हाई कोर्ट से जीत। पिटीशन तो इस चीज़ पे भी हो सकती है कि उम्र गलत भर दी। नहीं गलत नहीं, भरी ही नहीं थी। नहीं अगर कोई गलत भर दे तो उस पर भी हो सकती है, उस पर भी हो सकती है। तो चौधरी देवीलाल ने जो कहा ना कि 25 साल का तो सबको पता है, अगर आप 50 साल उम्र भर देते हैं उनकी उम्र कुछ और होती है, उस पर भी हो जाती जी। वो फिर मैं जीत गया हाई कोर्ट में। इन द मीन टाइम चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर बन गए 87 में जी, और बड़ी आंधी थी चौधरी देवीलाल, वो राजीव लोंगेवाल समझौते के खिलाफ पूरा हरियाणा इकट्ठा कर दिया, और 85 सीट आई थी 90 में जी। उन्होंने फिर अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में। जो पेटिशनर थे मेरे खिलाफ वो सोनीपत के ही 4 आदमी थे, चौधरी देवीलाल खुद नहीं थे जी, लेकिन क्योंकि पेटिशन तो 2 आदमी कर सकते हैं, या तो वहाँ का वोटर जी, उस पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का कोई भी वोटर पेटिशन कर सकता है, या जिसका नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ है वो करे कैंडिडेट जी, तीसरा कर नहीं सकता। इसलिए वहाँ के वोटर से 4 आदमी वकील थे जी, उनसे पेटिशन कराया था, क्योंकि चौधरी चरण सिंह तो मना कर दिया था उन्होंने, मना कर दिया भैया मैं नहीं, ये मेरी गलती है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह ने मुझे बताया भाई तेरे खिलाफ पेटिशन करेंगे, मेरे पास आया था वो देवीलाल जी, और मैंने इनकार कर दिया कि गलती मेरी है, थोपो उसके ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि 87 में बड़ी भारी आंधी आ गई चौधरी देवीलाल, लोकदल 60 सीट जीती थी और टोटल मिला के 85 जी। तो फिर मैं घबरा गया, ना मैं चुनाव में घबराया जी, ना नॉमिनेशन के रिजेक्शन पर या एक्सेप्टेंस पर घबराया, ना हाईकोर्ट तक घबराया कि भाई चीफ मिनिस्टर का तो बड़ा भारी रुतबा होता है जी, कि इसलिए सुप्रीम कोर्ट में केस गया। और मैं बहुत ज़्यादा माली हालत ऐसी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के, मैंने सुप्रीम कोर्ट में वकील किया पालकी वाला, जो बहुत मशहूर वकील था हिंदुस्तान का, बॉम्बे का रहने वाला था, वो हर तारीख पर 1,00,000 रुपये फीस उसकी, और बॉम्बे से आना हवाई एयर टिकट आने जाने की उसकी दो जी, और तारीख वैसे भी लग जाए तो मेरा पसीना आ जाए कि भाई 1,00,000 और गए, 1,00,000 और गए, तो बड़ी मतलब समस्या थी। और किया उनको इसलिए क्योंकि जो देवीलाल चीफ मिनिस्टर बन चुके थे, और चीफ मिनिस्टर का रुतबा बहुत ऊंचा होता है जी। तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट में भी जीत गया, ये कहानी तो यहाँ तक हुई। फिर मैं पार्लियामेंट हाउस में एक दिन था, मेरे ख्याल में 1-1.5 महीना हुआ था मुझे एमपी बने, चौधरी देवीलाल आ गए, मैं भाग के गया। मैंने कहा चौधरी साहब मैं तो, मैं कहा आपको प्रणाम करने आया हूँ, आओ चाय पिलाऊँगा जी, क्योंकि लंबा तो लंगा तो वो था ही जी। बोले अरे धर्मपाल ही पानी पिया था तने जो देसी टाइप आदमी था। मैं कहा चौधरी साहब मैंने के पानी पिया था, मैं तो आपके बड़कन जीजा हूँ और आप मेरे से वहीं वो कर रहे हो। बोले ना यार मन ने स्वाद जब आओगे उतना रहूँगा। तो फिर उसके बाद साहब 89 का इलेक्शन आ गया। ये जो आपका 84 वाला जो इलेक्शन था, इस इलेक्शन में आपको जब आप एमपी बने तनख्वाह कितनी मिलती थी? 2200 रुपये। वो एक बार वो जो आप माधवराज सिंधिया के पास गए थे कि जी, नहीं गया नहीं था मैं जी, वहाँ पार्लियामेंट हाउस में जो मेन गेट है जी, उसके लेफ्ट में जो है नोटिस ऑफिस होता है जी, अरे एक राइट में होता है, लेफ्ट का नोटिस ऑफिस में वो लोकसभा वाले कौन को कागज पत्र लेना हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी वो होती है जी, राइट को राज्यसभा का होता है जी। तो वहाँ मैं गया जब 1 महीना हो गया था, तो मैं वहाँ गया नोटिस ऑफिस वाले, उनको ट्रेनिंग दी जाती है पूरी कि भाई इनको बाई फेस पहचानो तुम,
क्योंकि हमारा जो वहाँ पर बायोडाटा जाता है जी, कि वो जो एम्प्लाइज हैं कि किसी को अंदर जा रहा है तो रोक दो तो अगला इंसल्ट फील करेगा, बिल्कुल, कि वो फेस उनका पूरा याद कर लेते हैं वो। मैं नोटिस ऑफिस में गया तो मेरे को कहा जी आपका चेक है, मैंने देखा उलट पुलट कर रहे हैं 2200 का, मुझे ज्ञान नहीं था जी। माधवराव सिंधिया वहीं खड़े थे, वह उन्होंने इतना ही देखा था भाई ये लड़का नया लड़का हरियाणा का आया है एमपी बन के जी। बोले मिस्टर क्या देख रहा है, मैंने कहा जी ये देख रहा हूँ ये क्या है कितनी 2200 का चेक किस लिए जी। बोले तेरा एक महीने तो जो भौंका है ना जी उसका मेहनताना है कुल 22 है। बोले 22 और उस समय आपका अगर वकालत के हिसाब से नापा जाए तो कितने सेंट लगे? कुछ भी नहीं था ना, मैं वकील 50,000 रुपये महीने का और एमपी की तनख्वाह 2200 रुपये। मैंने कहा ये तो ये कुछ भी बात नहीं, मैं गया चीफ मिनिस्टर के पास जी, मैं तो हिसाब मैं इस्तीफा दूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा 2200 रुपये तनख्वाह एक महीने की, मम्मी ये 2200 की दे सुन पे साढ़े तुम्हारू पी जाएंगे 2200 का क्या जिक्र है। बोले भाई बड़ा काम नहीं किया करते, एमपी बहुत बड़ा हो तो इसने इतना छोटा मान रहे, तो सारे छोटे छोटे इलेक्शन लड़के यहाँ तक आ लिया और तुम इनकी परवाह ही नहीं कर रहे। मगर ना जी अपनी समझ में नहीं आई, खेती में कर नहीं सकता जी। और कोई आमदनी नहीं, फैक्ट्री मेरी नहीं, मील मेरा नहीं, कुछ लेना एक देने तो भूखे मर जाएंगे हम तो। बोले मैं तेरा इलाज करता हूँ। मगर देखो जी एक तो मैं आपसे नहीं लूँगा, फिर तो मैं आपका नौकर हो जाऊँगा जी, पॉलिटिकल आदमी हो। बोले चल मैं अपने एक आदमी को टेलीफोन करता हूँ, सुशील अंसल है जी, कैनॉट प्लेस में है, अंसल बिल्डर्स भवन है। मैं क्योंकि दिल्ली पढ़ा था सारा जानता था, घूमया करते बसों विदाउट टिकट जी, अच्छा बिना टिकट के घूमते थे, घूम लेते थे जब लॉ फैकल्टी थे जैसे बड़का गया तो मैं उनके पास गया तो मैंने वो चिट दे दी, धर्मपाल सिंह मलिक केयर ऑफ चौधरी भजनलाल एमपी, मैंने लिखा नहीं जी। तो 10-15 और खड़े, कोई कुछ लागनिया कुछ कहेगा को कहेगा, और वो बहुत बड़ा आदमी जी अंसल बिल्डर। तो मैंने जब 15-20 मिनट हो गए, मैंने चपड़ासी को कहा भैया नहीं बुलाता तो मैं जाऊँ जी। उसने सुन ली, बोला भाई ये तगाजे वाले ने बुला पहले मैं गया तो सर्दियाँ दिन थे, कपड़े वो कोट पेंट गरम। बोले हाँ भाई बता। मैं जी सीएम साहब ने भेजा हूँ। बोले हाँ भाई वो तो मालिक हैं, बता क्या बात है। मैं जी मुझे तो नौकरी के लिए आया हूँ मैं तो। बोले क्या नौकरी चाहिए, क्या करते थे? मैं जी वकील था। फिर वकालत क्यों छोड़ दी? मैं जी मैं एमपी बन गया। बोले तो एमपी है बोले सामने वाला भी खड़ा हुआ गया आप खड़े हो गए मुझे नहीं कहे बैठ बैठ। मैंने बोले क्यों छोड़ दी फिर ये? मगर इसलिए छोड़ दी, मैंने डिक्लेयर कर दिया ड्यूरिंग माई इलेक्शन कि भाई मैं हारूँ चाहे जीतूँ, अब मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गया, अब मैं ज़िंदगी में फीस लेकर कोर्ट में नहीं जाऊँगा, इसलिए छोड़ दी। और खेती की ज़मीन है वो मैंने करनी नहीं आती, और कोई धंधा नहीं है जी, या तो चोरी करूँ या रिश्वत लूँ जी, वो मैं कर नहीं सकता, मेरा धर्म नहीं कहता, मैं कट्टर आर्य समाजी हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया जी। तो बोले भाई बता फिर, तने 20,000 देने, 10,000 तने वैसे दे देंगे, 10,000 का चेक दे देंगे, वरना इससे मेरी गाड़ी चले ही नहीं। फिर मेरा उन्होंने कहा चलो भाई 40 दे देते हैं। वो बताता नहीं मैं नंबर एक में कितने, नंबर दो में कितने थे तो मैं किया जी, फिर मैं थोड़ा बहुत सीख गया जी, प्रॉपर्टी में कैसे करते हैं ये, कैसे एक्वायर करते हैं, कैसे इनका सिस्टम है। एक दिन मैं माधवराव सिंधिया, उन्होंने एक कॉलोनी काटी थी फरीदाबाद में जी, अंसल ब्रदर्स फार्म हाउस 2.5 एकड़ के जी, उसमें एक फार्म हाउस अब माधवराव सिंधिया ने भी ले रखा था, तो मेरी उसके मजाक में दोस्ती ही हो गई जी। माधवराव सिंधिया बहुत सीनियर आदमी, गांधी परिवार के नज़दीक, सेंटर में मिनिस्टर, मैं पार्लियामेंट में जाने लग रहे और वो आने लग रहे, और
बोला धर्मपाल और क्या हाल है, मैं जी आपकी फाइल का डकाया हूँ। और मेरी फाइल, हम मैं वजीर हूँ यार, तो कैसी मजाक की बात करता है, हम तो एम पी आई फाइल कर लें, तो मेरी फाइल कर लिया। बोला मेरी क्यों कर लिया, मैं जी आपका फार्म। बोला हाँ भाई ये बात सही है। फिर मैंने उनको बताया, मैं वो चीफ सीक्रेट एडवाइजर हूँ। तो उसके बाद मैं किया जी। कितने साल तक आप उनके साथ जुड़े रहे? फिर वो दरअसल जेल में चले गए, सिनेमा में आग लग गई थी जी, वो पार सिनेमा था क्या था दरियागंज में, 300 आदमी मर गए थे उसमें जी। लेकिन मैं रहा हूँ 15-20 साल तक, 15-20 साल तक। हाँ जाता था सिर्फ फ्राइडे को, क्योंकि फ्राइडे में पार्लियामेंट में काम नहीं होता, सिर्फ नो वो प्राइवेट मेंबर बिजनेस होती है जी, गवर्नमेंट बिजनेस नहीं होती, तो उस दिन व्हीप वगैरह जारी नहीं होता जी। तो मैं जाता था, एमपी नहीं भी रहा जी, मैं सोनीपत से जाता था, सारी फाइल निकालता था, 10-12 और लीगल एडवाइज़र थे उनके, मेरा बाकायदा ऑफिस उन्होंने कर रखा था। मलिक साहब, ये 89 में जब चुनाव था लोकसभा का चुनाव, चौधरी देवीलाल रोहतक से लड़े, मतलब 3 सीटों से लड़े थे, रोहतक, सीकर और फिरोजपुर, उस समय आपको चैलेंज नहीं किया कि अब की बार फिर सोनीपत से? नहीं, उन्होंने मेरे को एक कहा, मजाक करते थे बहुत मेरे से जी, बोले धर्मपाल तो एक बार आऊँगा। एक कपिल देव शास्त्री था जी, वो मेरे पास ही बैठता था जी, और उन्होंने कपिल देव शास्त्री ने चुनाव लड़ा था, गढ़वाड़ गांव के थे वो, बरौदा हल्के में गढ़वाड़ जी, वहाँ सरपंची का इलेक्शन लड़ा था, वो सरपंची का इलेक्शन हार गए। बोले तुमने इसी आदमी द्वारा लड़वाऊँगा, तू याद रखा जिंदगी। तो उसको नॉमिनेशन भरवा दिया, और जी बिल्कुल जो धांधली ये लोग दलोड़े कराया करते वो आकर कर दिया। मैं कोर्टों में अंटता रहा, मेरे फेवर में सारा सिस्टम, इन द मीन टाइम हाउस भंग हो गया, और फिर 91 में फिर मैं बन गया, मतलब टेक्निकली मैं 84, 89, 91, 93 में बना, 96 में मैं बहुत बुरी तरह हार गया, प्रधान था जी अरविंद शर्मा वहाँ आया, और वो इंडिपेंडेंट था, चौधरी रिजिकराम बहुत सीनियर नेता थे, वो लोकदल से थे, अभिराम दैया चौधरी बंसीलाल की पार्टी से थे, अभिराम दैया भी काफ़ी पेशों वाला आदमी था जी। तो हम हार गए बहुत बुरी तरह। तो उसके बाद फिर मैं सन 2004 में लड़ा। 96 में हार का कारण क्या था? हार का कारण टोटल पोलराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कास्ट के बेसिस पे टोटल पोलराइजेशन हो गया, क्योंकि मैं भी जाट, रिजिकराम जाट, अभिराम दैया जाट, अरविंद शर्मा पहली बार पार्लियामेंट में वहाँ पर ब्राह्मण आया था जी, और अरविंद शर्मा को हम जानते नहीं थे, और उसने एक हवा फैला दी और जमघट हो गया, जो आज जिस किस्म के हालात बन रहे हैं ना जी, यही हालात बन गए, और मैं हार गया। अभी कभी मुलाकात वगैरह वो आपसे कोई मिलने आते ना? ना मिलने नहीं आते, मैं जहाँ मिलते हैं बस ठीक मिलते हैं, मैं ऐसा नहीं करता जी, मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है। अरविंद शर्मा बहुत मिलता है, वो अगला हर एक आदमी आगे बढ़ना चाहता है जी, उसकी क्या है उसको, और ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। अब मेरे फेवर में अगर ये जाए कि वो मलिक इकट्ठे हो जाओ तो मैं कह दूंगा, फिर दूसरे से भी तो यह उम्मीद करनी चाहिए, वो भी कह देगा जो उसके फेवर में जाएगा, तो ये कुछ नहीं है। जिस हिसाब की आप बात कर रहे हो, ये पॉलिटिशियन वाली तो बात है नहीं, पॉलिटिशियन तो बड़ी बैक की बातें करते हैं, नहीं लेकिन आप तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से। मैं वो बात कर रहा हूँ जो एक्चुअल पोजिशन होती है बिल्कुल, और हम क्योंकि मेरे पिताजी जिंदगी में एक बार गांव के सरपंच बने थे बस जी, ये मेरी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, जो कुछ भी है भगवान का सहारा और लोगों की मेहरबानी, अपने पल्ले कुछ भी नहीं, तो इसलिए सारा सिस्टम इस किस्म से बनता रहा। फिर मैं 2004 में 3000 वोट से लूज कर गया लोकसभा जी, 2-2:40 मेरी आई थी,
246,000 सांगवान की आई थी किशन सिंह की जी, मतलब 3,000 इधर से उधर होनी थी, लेकिन 10 सीटों में से मैं अकेला लूज किया था और सारे का प्रोपेगंडा कर दिया भाई धर्मपाल तो मुकाबले में नहीं, कृष्णा मलिक मुकाबले में है, वह लोकदल की थी, वो 1.5 लाख राय लेगी। मैं लूज कर गया, फिर 2005 में मैं MLA बन गया। इससे पहले मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ मलिक साहब, जब आप 1992 में HPCC के हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट बने और 1997 तक आप रहे, यही वो दौर है क्योंकि 1991 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है यहाँ रोहतक से लोकसभा चुनाव जीते थे, फिर 1996 में वो दोबारा जीते, दो बार के हो चुके थे MP और दोनों बार चौधरी देवीलाल को हराया था, उस समय आप प्रेसिडेंट थे, 1996 की बात है। तो उस समय एक कांग्रेस पार्टी में इंटरनली एक बात चल पड़ी थी कि गुट बन गए थे, एक भजनलाल गुट और एक हुड्डा गुट, तो आपके लिए कितना आसान था वो या कितना मुश्किल थी उस चीज को हैंडल करना? नहीं, मैं हैंडल नहीं, मैं मेरा एक ये था कि भाई मेरे को जैसे मैं प्रेसिडेंट बना जी, तो उसमें चूंकि भजनलाल ने मेरा बहुत साथ दिया था जी, बाकायदा चुनाव हुआ था, शो तो किया नहीं लेकिन चुनाव हुआ जी, उन्होंने सपोर्ट की थी, तो उस नाते में थोड़ा ओबलाइज्ड महसूस किया जी। फिर 2004 में मैं लूज कर गया, 2005 में फिर लोग विधानसभा इलेक्शन आ गए तो बहुत कैंडिडेट हो गए। श्री भजनलाल को मैंने कहा जी मैं अगर अब MLA भी नहीं बना तो बहुत पीछे चला जाऊँगा, बोले नहीं भाई तो बनेगा MLA, ऐसी कोई बात नहीं। वो प्रेसिडेंट थे स्टेट के, वो मुझे लेकर ने सोनिया जी के पास गए और सारी मेरी बैकग्राउंड बताई, उन्होंने कहा नहीं इनको टिकट देंगे, और मैंने उनको ये कह दिया कि चोई साहब आपने तो कलम तोड़ दी, मैं तो हूँ आपके साथ जी। मुझे नहीं पता था कि हालात ये बनने हैं जी कि भाई हाईकमांड जो हुड्डा साहब को देंगे भजनलाल जी को पीछे रखेंगे जी, पता ही नहीं था। तो वहाँ पर फिर उनका कर दिया और मैंने उनको कमिटमेंट कर दी थी मैं साथ रहूँगा जी, सारी बात वही, सारे भाग गए, हम 3 रह गए, जो भजनलाल का बेटा ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया जी, चंद्रमोहन जी, और हमें कहा इस्तीफा दे दो, हमने इस्तीफा दे दिया, और क्या करते हैं। लोगों ने भी बहुत कहा, ये किस सन की बात है? 2005 की। उस समय तो जबरदस्ती वो जो लीडर ऑफ ओपोजिशन की जो वो थी, वो जबरदस्ती लड़ाई करके कांग्रेस पार्टी में वो बहुत बड़ा घमासान हुआ था, और फिर वो चीज जो है हुड्डा साहब को दे दी गई थी 2002 और 2004 के बीच, 2 साल वो रहे लीडर ऑफ ओपोजिशन। नहीं, वो तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ना जी, चुनाव हुआ 2005 में, इलेक्शन 2005 में हुआ, 2005 में चोई भजन लाल उस टाइम पार्टी प्रेसिडेंट थे जी, और पार्टी हाईकमांड मेरे इलेक्शन में एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे मध्य प्रदेश के जी, मिस्टर शुक्ला थे मेरे ख्याल में, छोटे कद के थे, उनकी ड्यूटी थी गोहाना में, मेरे उसमें वो लगा दिए जी, लेकिन वो आए नहीं, लास्ट डे आए, और मैंने भैंसवाड़ में जलसा रखा हुआ था आखिरी दिन जी, तो वहाँ काफ़ी गाड़ियाँ ले कर हम गए, वो साथ में बैठ के गया, उसने देख लिया माहौल ठीक है, मैं काफ़ी राय से जीता था उस टाइम असेंबली इलेक्शन। तो उसके बाद मैं जो भजनलाल ने कहने लगा माँ जी उसके पास मारा प्रभारी लगा रखा था मेरे चुनाव का जी, उसको धन्यवाद तो कराऊँ, बोला करा भाई। उस टाइम वो था मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर PM ऑफिस जी, सरदार जी के मनमोहन सिंह जी के ऑफिस में वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट था। मैंने उनको टेलीफोन कर दिया, बोले भाई साहब काम बताओ, मैं काम कुछ नहीं आपका धन्यवाद करना, बोले मैं तो गया ही नहीं एक के दिन तो गया जी, मैं फिर भी आपका धन्यवाद करना हूँ, बोले फिर मैं घर आ जाता हूँ। वो घर आ गया, मैंने गया, बोले क्या रहेगा, मैं मेरा तो ठीक रहेगा, बोले आपका तो मैंने देख लिया जी, आपकी तो 18-20 हज़ार से लीड है, और फिर बोले वैसे ऑन दी हॉल मैं जीतेंगे, अच्छी सीट आएंगी,
अबाउट 60, बोले चीफ मिनिस्टर कौन बनना चाहिए? मैंने कहा मेरे ख्याल में अच्छे भजनलाल बनने चाहिए, उनके नेतृत्व में इलेक्शन हुआ है, वो प्रेसिडेंट थे। तो वो बोले वो तो बना नहीं रहे उनको, तो अपना दांत देख ले लगा लो जी, जाट को बनाएंगे। मैं फिर उसके बाद मिल के भजनलाल से कहे कई माँ आत्म उनका धन्यवाद करके तो फिर मुड़े चला गया। बाकी बात मैंने सारी बता दी, वो आखिरी ना बताई। कहाँ पर चले गए आप? श्री भजनलाल के पास चला गया मैं उनसे मिलकर। सारी बता दी, चीफ मिनिस्टर वाली नहीं बताई? मगाई श्री भजनलाल मेरे ऊपर डाउट कर जाएगा, वो यूँ सोचेगा धर्मपाल तो अपना दा लगाता फिर है जी, वो जो मेरे करेक्टर के खिलाफ है। जब तक ये नाम नहीं था, हुड्डा साहब होंगे, बरेंद्र होगा या सुरजेवाला होगा, कौन होगा, बस ये था कि जाट बनेगा कोई जाट। तो मैंने नहीं बताया, ये बाद में मैंने बताया श्री भजनलाल को। रत्न बोले आदमी उस दिन के ना बताया, माँ जी उस दिन ना आप मेरे ऊपर डाउट कर जाते, और कोई भी आदमी मेरी इंटेग्रिटी पर डाउट करे मैं वो ठीक नहीं मानता। मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ जी, लेकिन मैं तो बिल्कुल सामाजिक कर जो मेरा धर्म है मैं उसको निभाता हूँ। ये इलेक्शन तो जो असेंबली है वो 2009 में पूरी होनी थी, लेकिन इस्तीफा दे दिया ना हमने। कारण क्या था? वैसे भाई इस्तीफे दे दो, जबरदस्ती मांग ली गई ना? उन्होंने नहीं मांगी। कुलदीप है चौधरी भजनलाल का तो मई 2005 में जी उनका उनको एक मेंटल स्ट्रोक पड़ा जी, और दिमागी तौर से वो बिल्कुल कंडम हो गए जी। कुलदीप उनका सारा सिलसिला संभालता था जी। कुलदीप ने कहा जी आप इस्तीफे दे दो, श्री भजनलाल का तो उन्होंने लिखवा लिया, मन ने भी दे दिया और राकेश कंबोज ने भी दे दिया। कहा भी डॉक्टर रघुवीर सिंह का दिन स्पीकर थे जी, इनको ज्वाइन मैंने करवाया था कांग्रेस जब मैं प्रधान था। किन्होंने कहा ये? डॉक्टर रघुवीर सिंह ने। अच्छा जी, यार क्यों कर रहे हो ये? अच्छा अच्छा। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी तो कमिटमेंट मैंने कर ली, हाँ कर ली, क्या करूँ, मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मैं कंप्लीटली कमिटमेंट का आदमी हूँ। डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान ने मुझे हर तारीखें बहुत दी जी, अपना इस्तीफा वापस ले लो, तुम्हारा इस्तीफा मंजूर हो गया 2008 में। ये कहानी उसके बाद जगबीर सिंह मलिक जी की एंट्री होती है। जगबीर सिंह मलिक का नंबर पड़ गया और भाग्य का बली है, 5 रुपये बन गया जी, 1 रुपये पहले बन गया। तो ये कहानी है। तो ये जो 2014 वाला जो चुनाव था इसकी क्या कहानी है? आपने अजका की टिकट पे चुनाव, आपका नाम नहीं, 2014 से पहले जी, क्योंकि समझौता कर लिया कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी के साथ जी, अपनी पार्टी का, और ये कर दिया। मेरे पास है अब भी, कभी सोनी पता होगा दिखाऊंगा ओरिजिनल वो समझौता। उस अच्छा उस समय बीजेपी के साथ किया था? हाँ अच्छा, ये तो मैं बता रहा हूँ जी, वो ओरिजिनल समझौता मेरे पास है रिकॉर्ड में, आपके पास रखा हुआ है जी, जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन के भी दस्तखत हैं जी, मेरे भी हैं, कुलदीप बिश्नोई के हैं, रामजी लाल जी के हैं, सुषमा स्वराज के हैं। अच्छा जी, 5-6 आदमियों ने बैठ के ये किया कि भाई एक इकट्ठी चुनाव लड़ो, कांग्रेस अजका और बीजेपी, और फैसला ये हुआ 8-2 लोकसभा में जी, 8 बीजेपी 2 अजका और 50-50 विधानसभा में, और अगर पावर में आते हैं तो पहले 2.5 साल कुलदीप चीफ मिनिस्टर रहेगा, अगले 2.5 साल बीजेपी का रहेगा जी, ये समझौते में लिखा हुआ है सारा, और वो मैंने संभाल के दे रखा है, ये काम आओगा वहाँ कर दे। वो आप फोटो भेजिए, हम दिखावांगे समझौते में वीडियो में जी, भेज दूंगा जी। तो ये सिलसिला हुआ। फिर मेरे पास से जो अनिल जैन थे प्रभारी हरियाणा के बीजेपी के जी, उनका मेरे पास टेलीफोन आया, उस टाइम तक समझौता था जी। अनिल जैन ने कहा मलिक साहब, मैं अनिल जैन बोल रहा हूँ प्रभारी बीजेपी का जी,
और सीटों के बारे में डिस्कस करना, आप आ जाओ। वो सैनिक फार्म है दिल्ली में, वहाँ वो रहता था जी, आप आ जाओ। मगर कुलदीप बिश्नोई की पार्टी है, मालिक तो वो है जी, हम तो केवल अकीन हालात की वजह से साथ चल रहे हैं, उसको बुलाओ। बोला ना उसको नहीं, आप आ जाओ। वो तो हमारे प्रधानमंत्री का टेलीफोन ना ठहता। मगर चलो, मैंने कुलदीप से बात करी, बोले आप चले जाओ। मैं गया तो जाके उन्होंने कहा जी सीट शेयरिंग के बारे में बात करनी है जी, आपको 15 सीट दे देंगे 90 में, विधानसभा की 15 दे देंगे जी। मैंने कहा जी ये फैसला है 50-50 जी, आप क्या कर रहे हो जी? यूँ तो ऐसा है जो रोटी खाकर एक आधा टूक बच जाए ना, कुत्ते का नहीं फेंक दिया रहा जी। ये लफ्ज थे मेरे, मैं यूँ कोई तरीका नहीं है, आप पॉलिटिकल आदमी हो, बात के ऊपर जमो, और पार्टी नहीं मांगती क्योंकि 2 सीट दी थी आप लोगों को लोकसभा में, दोनों हार गए, एक सिरसा एक हिसार, इसलिए आपका ग्राफ बहुत डाउन हो गया, और राजनीति है तो सौदाबाजी है। लेकिन मैं खींच खींच के 30 सीटों पर ले गया कि 30 अपनी चॉइस की ले लो, 5 अच्छी बुरी जो भी होंगी वो दे देंगे। मैंने कुलदीप बिश्नोई को कहा भाई ऐसी ऐसी बात है, उन्हें कहा जी मैंने तो विनोद शर्मा जी से बात कर ली जी, तोड़ देंगे, बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस और समझौता तोड़ दिया, और विनोद शर्मा से समझौता कर लिया। फिर मैंने कहा भैया मैं तो चुनाव लड़ूंगा नहीं, हर रोजाना हारते रहो यार, कोई बात थोड़ी है जी, लोग पूछेंगे कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम खेल, बोला फिर इम्प्रेशन गलत चला जाएगा। मगर इम्प्रेशन गलत जाए चाहे ठीक जाए, ठीक है, मैं और विनोद शर्मा आएंगे, आपने नॉमिनेशन जरूर करना है, बाद में देख लेंगे। विनोद शर्मा और कुलदीप आए कौन है जी, मेरा नॉमिनेशन फाइल करवा के, और फिर हाथ खींच लिया, आए ही नहीं, हमने वो हेलीपैड बुक करवा दिया, सारा सिलसिला करवा दिया कि सारे के घूमें, हेलीपैड फायर ब्रिगेड की गाड़ी और उसकी एम्बुलेंस वगैरह सारी, कन्यागुरु खानपुर में हेलीपैड रिजर्व था जी, लेकिन नहीं आए तो ये सुभाष बत्रा ये कई गए हुए थे रोहतक वाले जी, बहुत लोग थे। मैंने फिर बिल्कुल गुस्से में जोश में लगा लो खड़ा होकर कह दिया भैया मैं चुनाव नहीं लड़ता। जब इस किस्म का धोखा मेरे साथ भी किया जा सकता है जिस आदमी ने अपनी हर चीज़ दाव पर लगा दी, तो ये बहुत बुरी राजनीति है, इसलिए मैं चुनाव छोड़ता हूँ। आपको 2005 के उस फैसले पे थोड़ा बहुत पछतावा होता है कि हुड्डा साहब के साथ अगर आप होते तो आज? ना, पछतावा नहीं होता, नहीं होता क्योंकि आप अपने, नहीं मेरी कमिटमेंट थी, कमिटमेंट के लिए आप लड़े। टोटल नफा देखोगे तो पछतावे की बात है जी, अगर सिद्धांत की बात को देखोगे तो कमिटमेंट पहली तो ये है कि कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए थी भाई, सोचो जी, कर ली चाहे गलत कर ली जी। मैं तो आज भी कहता हूँ जब मैंने यूँ फैसला कर लिया मैं डूब के मरूंगा जी, सारा देश पकड़ ले मैं डूबूंगा ऐसा नहीं मैं कर सकता मतलब जो कह दिया वो उसके ऊपर चलूंगा। तो अभी आप कांग्रेस में हैं? 100% कांग्रेस में। हुड्डा साहब के साथ आपकी अच्छी बनती है? खूब बनती है। लाइक्स एंड डिसलाइक्स की अभी भी लड़ाई है? नहीं कोई लड़ाई नहीं। वो आपको कोई उन्होंने वादा किया या कोई बातचीत हुई चुनाव लड़वाने की? मेरे से कोई वादा। कांग्रेस ने जब नामांकन मांगे थे अभी लोकसभा के लिए आपने भेजा सोनीपत से? आपने भेजा है, लेकिन मेरी कमिटमेंट कोई नहीं क्योंकि लगभग 350-400 नाम गए। सवाल ये जी, उसके बाद मैं आपको बताऊं जब जो चुनाव खत्म हो गया जी 2014 वाला, तो फिर कुलदीप बिश्नोई का बाद में टेलीफोन आया कि जी मीटिंग बुलाई, 5-6 आदमी बुलाए, रामजीलाल जी आप, एक चंद्रमोहन, एक मैं, एक दुड़ाराम और एक उसका दोस्त था,
आप आ जाए, माँ भैया मैं दाता जी, तो बहुत गलत बात करता है, मारे इतने पैसे खर्च करवा दिए तो क्यों नहीं आया। बोले अंकल जी आ जाओ, गलती हो गई, आप आ जाओ। हम मीटिंग करी, राम जी लाल भी इनकार कर गया। राम जी लाल को मेरे हर चुनाव में आता था वो जी, क्योंकि वो तो खाती बिरादरी से था जी, लेकिन उस चुनाव में उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि रामचंद्र जांगड़ा खड़ा था जी कि बिरादरी का दबाव है। मलिक साहब मैं यार मैंने बहुत कुछ सीखा राजनीति, मेरी कोई बिरादरी नहीं, मेरी भी बिरादरी थी जब मैं तुम्हारे लिए आता था जी, ये थोड़ा हुआ करता है राजनीति में, तो कमिटमेंट की बात है, मैंने तुम्हारा साथ दिया था, लेकिन वो भी डट गया। फिर वहाँ काफ़ी हमारी कहासुनी हुई, अल्टीमेटली ये फैसला हुआ, ये 2015 की बात है जी। उस चुनाव के बाद में कुलदीप कहने लगे अंकल जी आगे बताओ क्या करना चाहिए। मैं भाई मेरे ख्याल में ये आपके बस के पार्टी चलाना नहीं है, सबको खुले छोड़ दो, जो जहाँ जाए जाए जी, मैं जाऊँगा कांग्रेस में, मैं बेसिकली कांग्रेस का आदमी हूँ जी, जब पार्टी बनाई जब भी मैंने कहा था जनहित कांग्रेस लिखो इसमें, हम बेसिकली प्राइमरी पास कर रखी है हमने कांग्रेस की जी, और जिस आदमी ने जो उनसे स्कूल से प्राइमरी पास कर ली ना, चाहे वो बारह लॉ करे जी, उसके ऊपर प्राइमरी का असर रहेगा बिल्कुल जाएगा। मैं काम, और अगर तुम और कहीं जाते हो तो मैं साथ नहीं जाऊंगा, कितना इंतज़ार कर लो मैं इंतज़ार कर लूँगा, लेकिन अल्टीमेटली कांग्रेस में जाएंगे। आप गए किसके पास वापस कांग्रेस में जाने के लिए सबसे पहले? नहीं मैं बताऊँ ना जी, हमने जब ये बात हो रही थी हमारी पांच छह आदमियों की, तो दो आदमी हमारे में शेष थे, दूड़ाराम और रामजी लाल, जिन्होंने ये कहा बीजेपी में जाना चाहिए। ये तो फैसला हो गया कि कुलदीप के बस की पार्टी चलाना नहीं है जी। मेरा और चंद्रमोहन का ये था कि हमने कांग्रेस में जाना चाहिए। कुलदीप अपने भाव से निकल रहा था, लेकिन अल्टीमेटली ये हो गया कि भाई कांग्रेस में चलेंगे। हमने ये कह दिया ये जरूरी नहीं कल जाएं जी, तू अपनी गोटी फिट कर ले, चाहे छः महीने लगा दे, हम अपने घर बैठे हैं। इसने उसने किसके थ्रू जैसे बात चल रही है, क्योंकि कुलदीप के बच्चे और प्रियंका गांधी के बच्चे पढ़ते थे इकट्ठे, उनके पास जाके उन्होंने अपना सिस्टम जोड़ लिया जी, और कांग्रेस पार्टी हमने सोनिया जी के नेतृत्व में उनके हाजिरी में ज्वाइन करवा ली। ये कहानी बनी, फिर हम पार्टी में तो आ गए जी, लेकिन धड़े यूँ के यूँ थे। एक दिन मेरे पास सज्जन कुमार एक्स एमपी दिल्ली वाला का टेलीफोन आया, जब तक वो जेल में नहीं था, अब तो जेल में है। उन्होंने कहा मलिक साहब अब हुड्डा साहब भी के पास भी राज नहीं, और आपके पास तो कुछ भी नहीं, अब तो इकट्ठे हो लो जी। मगर यार मुझे कोई इतराज़ नहीं था, मैं एक कमिटमेंट के ऊपर था। बोला हुड्डा साहब का टेलीफोन आएगा, आप उनसे ठीक बात कर लियो जी। मैंने उनका रखते ही मैंने कुलदीप बिश्नोई से टेलीफोन किया जी। मैंने कहा भैया मैं अगले दिन मीटिंग थी चंडीगढ़ हिमाचल भवन में कांग्रेस की, हुड्डा साहब ने बुला रखी थी जी। मैंने कहा मेरे पास ऐसे ऐसे टेलीफोन आया, फिर मैं हुड्डा साहब का आएगा, अब भी कोई बात हो तो बता दे, वरना मैं कमिटमेंट कर लूँगा फिर मैं जाऊँगा। बोले नहीं अंकल जी मैं गलती मानता हूँ, मैंने आपको बहुत नुकसान पहुँचा दिया, आपके इलाके में हमारा कोई असर नहीं रहा, आप अगर हुड्डा बात करता है तो जाओ। इन्हें मैंने रखा इतनी देर हुड्डा साहब का आना था, क्योंकि उनकी तो बात थी जी। बोले मलिक साहब आ जाओ भाई साहब कल हुड्डा में आ जाऊँगा। दो बड़े लीडर एक साथ मिल रहे हैं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, नो कमिटमेंट, कोई कमिटमेंट नहीं ना जी, ना मैंने कही ना उनका तो मतलब खेद है कहने का, मैं कह दूं भाई झूठ बोल गया, फलाना बोल गया, धकड़ा बोल, कुछ नहीं। कमिटमेंट क्या होता है यार, मेरे मुकद्दर में जो उसको कोई बदल सकता है क्या? आज तक भी कोई ऐसी बात नहीं निकल के आई ना, मेरी मिलते हैं खूब इज्जत करता है बड़े भाई की तरह से जी,
और पूरा वो है, कोई ऐसा नहीं, बगैर मुखदर कुछ भी नहीं है। मेरी बहुत बड़ी आस्था है इस बात में। एक चुनाव था मेरा जी यू अरविंद वाला, एक मेरा छाणवे का, हाँ जी छाणवे का मेरा दोस्त है पंडित जी महेंद्रगढ़ का जी, सेक्टर 8 रोहिणी मेरा आगरा जी, उसके पास मुझे पहले लेके थे बहुत दिन पहले, 2-3 नेता जी, बोले बहुत अच्छा है, वो देखता है सारी बता देता है, मैं भी जान लग गया जी। अच्छा, हाथ देख के बताते हैं? बताता है जी, लिख देता है, माथा देख के बता देता है। तो वो मैं उधर गया, बोले मलिक साहब जीतोगे, अरविंद के साथ मुकाबला था 1996 में, जीतोगे जी। मैं बड़ी मेहरबानी पंडित जी, बोले एक गड़बड़ है, एक महीने मर जाओगे। हाँ, मन का कोई उपाय बताओ पंडित जी। बोले उपाय ये हो, हार जाओगे तो जीत जाओगे, मैं फिर तो हारे थे। सही बता रहा हूँ आपको, ये मैंने ये जो जितनी बात कही है जी, नो डुप्लीकेसी, कोई मतलब इसमें मिलावट नहीं, मैंने सारी कही असली बात है। और मैं आज भी इस बात को पढ़ूँ। राजीव गांधी से कितने बार आपकी वार्तालाप हुई, आपकी बातचीत हुई? तो मुझे राजीव जी के साथ मैं 5 साल, मैंने क्या किया मैं आपको बताऊं। जब मैं शुरू में एमपी बना जी, तो इतना बड़ा हाउस, 543 लोग बैठे हैं जी, और मैं सबसे जूनियर आदमी, जिसकी कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं, किसी का कोई परिवार का कोई बड़ा आदमी नहीं। मैं भाई 5 साल गुजर जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर से तेरे ताल्लुक नहीं बनेंगे जी। तो एक महीने में एक हमारे पास परफॉर्मा आता है कि आप मतलब वो देखना चाहते हैं कि इसकी इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है जी, कि आप जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उनमें से किस में आप किसके मेंबर बनना चाहोगे, जैसे एग्रीकल्चर कमेटी है, रेलवे की है, टेलीफोन की है, कम्युनिकेशन की है, मतलब ऐसे ऐसे। मैंने वो 3 नाम मांगते हैं, मैंने लिख दिया जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है प्राइम मिनिस्टर के पास जी, मैं उसमें नंबर पड़ गया। हर साल में एक के बाद लिखता हूँ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें होते हैं 21 आदमी जी, 14 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के, और वो हर महीने मीटिंग होती है पार्लियामेंट हाउस में या पार्लियामेंट अनेक्सी में। प्राइम मिनिस्टर मीटिंग लेते हैं जी? नहीं, वो कंसर्न मिनिस्टर लेता है मीटिंग। अच्छा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर अपनी एग्रीकल्चर कमेटी की मीटिंग लेगा जी। रेलवे नहीं, जनरल कमेटी में तो प्राइम मिनिस्टर आपने बोल रहा? नहीं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वो प्राइम मिनिस्टर के महकमे में आता है। अच्छा, ठीक है जी, वो महकमा ही प्राइम मिनिस्टर का होता है। तो वो हर महीने मीटिंग होती, और राजीव जी की आदत थी वो, मतलब जैसे आप बैठे हो जी, राजीव गांधी हो, हम बैठे हैं, एजेंडा है मीटिंग का, शुरू में करेंगे, हाँ भाई धर्मपाल बोल, यूँ बोलेगा जी, अगली बार इधर से शुरू कर देगा। अच्छा, वो 21 लोगों में से आते थे 10-12 एक, क्योंकि 5-7 तो साल में रहते थे जी, बूढ़े बूढ़े होते हैं जी, 5-4 हो आगरे फॉरन में जाए रहा आगरे जी, वो 8-10 हो रहते हैं शुरू, हमेशा ही हर कमेटी में ऐसा ही होता है, क्योंकि फॉरन टूर होते हैं, कुछ ऑफिशियल, कुछ अनऑफिशियल, कुछ तो वो मुझे पर्सनली धर्मपाल के नाम से जान गए जी, वरना नहीं जानते। एक मैं पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स में बहुत हिस्सा लेता था, बोलता बहुत था, वकील रहा था, और लाइब्रेरी में बहुत बैठा रहता था, तो पर्सनली जानते थे। लेकिन वो बेचारे चले गए 91 में, और उसका रिजल्ट ये होया, पे वो एक भजनी भजन गाया करते जी, जिसके मर जाए बाद से उसके रोनते फिर बजी। तो बात यह जिसके बाद जब मर जाए उसके वजीर तो रोनते फिर जी।
कभी ऐसी कोई बातचीत हुई उनके साथ आपकी कि आपने कुछ बताया और उन्होंने कहा कि वाह ये तो कोई नई चीज बताई, कोई अलग बताया? ऐसी देखो याद तो मुझे कुछ है नहीं, ऐसा कोई याद है नहीं, याद नहीं है, लेकिन पूरी हम तैयारी के साथ जाते थे मीटिंग में, तैयारी के साथ हम जाते, क्योंकि वो 8-10 तो आदमी बैठते और लंच ब्रेक की मीटिंग हुआ करती जी, 11 बजे शुरू हुआ, फिर लंच, उसके बाद फिर मीटिंग, तो वो सबका ही नंबर आता था सबका। हाँ, लेकिन बहुत दिन हो गए मुझे याद नहीं। तो सोनिया गांधी जी भी कभी कभी आती थी? नहीं, वो क्यों आएगी? नहीं, वैसे नॉर्मल कोई मीटिंग हो, वैसे कोई मिलने, आपसे कोई बातचीत, नहीं, वैसे नहीं, नहीं, किसी पार्टी फंक्शन में? ना जी, वो तो ऑफिशियल मीटिंग। आपको मलिक साहब टोटल मिला के जो MLA की और MP की पेंशन कितनी मिलती है? MP की तो मिलती है 35,000। 35,000 दोनों टेनर की, और MLA की मिलती है 77,000। 77,000 MLA की? 77 जी। मेरे मोबाइल में भी होगी मैसेज आते रहते ना जी, यार ये MP की था हर महीने भेज। हाँ जी, ये कौन सा बोर्ड है? PEN क्या? PEN क्या ये अकाउंट है या क्या लिख रखा है? पेंशन। आप अच्छा, PEN ये पेंशन, ये अच्छा फरवरी की। ठीक 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 ठीक, मेरा एक भी शब्द जितनी देर बैठा हूँ ना, एक भी शब्द गलत नहीं था, ना मैं टोटल छुपाऊँ ना नफा छुपाऊँ, अपना सीधा सीधा काम है। तो वही मैं बात कर रहा था, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो कोई पॉलिटिशियन बात करता ही नहीं है, सीधी सीधी बात क्यों नहीं करें? दिस इज नॉट बिजनेस, वी हैव ज्वाइंट पॉलिटिक्स टू सर्व द पीपल, और बिल्कुल उसी सिद्धांत का हूँ। वैसे सर, अगर आपके पर्सनल व्यक्तित्व को एक साइड हम एक किनारे रख दें, आप बहुत सारे पॉलिटिशियन से मिले हो, आपको क्या लगता है पॉलिटिशियन जो आमतौर पे कितनी झूठ बोलते हैं? ये देखिए मैं आपको बताऊं जी, पॉलिटिशियन जो है ना, सन्यासी और षड्यंत्रकारी की का जो मिश्रण होता है ना, वो पॉलिटिशियन है। सन्यासी और षड्यंत्रकारी उनका मिश्रण पॉलिटिशियन अब निकाल लो तो परसेंटेज में क्या फिर कैसे करूँ, 70%, 80%? नहीं, 90%? अच्छे आदमी हैं, बहुत लोगों ने खराब कर दिया, बेसिकली वो राजनीतिक नहीं है। बहुत सारे लोग केवल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आने शुरू हो गए, बिजनेस पॉलिटिशियन का काम नहीं है। हमें ठीक है, हमने रोटी पानी चाहिए, इतना इंतजाम तो मेरा ये 35 और 70 कितना हो गया, 112 जी, तेरे बाकी खेती है और अपने काम धाम है। एक तो मैंने आपको बताऊं, मैंने जिंदगी में पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, खान पान कुछ भी नहीं लिया सरकार का, ना लूं, बहुत बार कहा आ रहा है तू ले ले कुछ, टेलीफोन बिल वगैरह है कुछ नहीं? अच्छा, वैसे वो जो चीज मिलती है सरकारी उससे नहीं, जो सरकार का से जो फायदा उठाते हैं जी, मैंने यार जो नेचुरल टेलीफोन SMP फ्री होता है, अब मैं बाय ट्रेन जाऊं या बाय बस हरियाणा रोडवेज में जाऊंगा, फ्री है, जो है वो है जी। लेकिन जो अननेसेसरी हम कहें भाई आप एक पेट्रोल पंप दे दो, एक गैस की एजेंसी दिवा दे, एक मेरे खान दे दो, एक यूँ कर दो, मैंने दिया जी, ना लूँ। आप इन सिद्धांतों के खिलाफ, इन बातों के खिलाफ? कतई खिलाफ हूँ, और 100% मैंने कभी शराब या मीट, अंडा पंडा कुछ नहीं खाया। मैं आर्य समाजी आदमी हूँ यार, आपको हैरानगी बताऊँ, राजनीति में आर्य समाजी का क्या काम भाई, जिन्हें उधारी आदमी जी, तो मैं वैसे नहीं। आर्य समाज का आपने जिक्र कर दिया, आर्य समाज से मेरे को एक बात याद आती है, हुड्डा परिवार भी आर्य समाजी है? आर्य समाजी है। अभी हुड्डा परिवार के बारे में एक और कहूँगा जी, अब हुड्डा साहब पर एक वो लगा दिया कि भाई ये तो प्रोजाट है, वो नहीं है प्रोजाट। जो आदमी बेसिकली कांग्रेसी है जी और बेसिकली आर्य समाजी है, वो कास्टियस्ट नहीं हो सकता। हुड्डा साहब का परिवार बेसिकली कांग्रेसी है जी,
चौधरी माथुराम जी के टाइम से वहाँ से काम जी, और बेसिकली आ रही है समाज जी है तो वो आदमी कास्टिस्ट नहीं हो सकता। ये राजनीतिक फंडे हैं फजूल के, वो कुछ कह देगा को कुछ कह देगा। दूसरी जो पार्टी है बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस जाटों की पार्टी है, और जो जाट है उनके मन में ये धारणा है कि हुड्डा साहब जो है पंजाबियों का ज़्यादा फेवर करते हैं। मैं कहता हूँ हुड्डा साहब ठीक आदमी हैं जी। अब कोई भी आदमी यूँ मेरे पास, मैं जाट हूँ, मलिक हैं, और मलिक जाटों में सबसे बड़ा गोत्र भी है जी। सोनीपत पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी मस्सी 90 गाँव भी मलिकों के हैं जी। मैं उनको जाके यूँ कहूँ भैया मैं थारी परवाह ना करता, वो तो गलत बात है भाई, तुम तो मेरे भाई हो आओ मेरे के साथ जी। आदमी करता है, लेकिन वो कि भाई एक ब्राह्मण का लड़का है एक जाट का है, मैं उनके अंदर फर्क नहीं कर सकता, ना हुड्डा साहब करते। लेकिन पब्लिसिटी राजनीतिक आदमी के बारे में, किसी के बारे में कोई कुछ कर दे, किसी के बारे में कुछ कर दे, वैसे ही कर देते हैं। राजनीतिक आदमी कैसे निभा सकता है कास्टिस्ट का, सबके साथ मिलना जुलना, सबके साथ उठना जरूरी होता है। आप मेरे ख्याल में तो कोई भी नहीं होता, सच्ची बात तो ये कहूँ, ये सिर्फ दिखावा है पब्लिक के लिए, पब्लिक में कोई दिखावे में कुछ कर दे को कुछ कर दे, वरना सब आदमी ठीक होते हैं। लेकिन जो बिजनेस माइंडेड आदमी आगे वो गलत है, वो गलत, बिजनेस माइंडेड आदमी नहीं आना चाहिए। बिजनेस माइंडेड तो चौधरी भजनलाल भी थे, वो थे वो तो बिजनेस के थ्रू ही पॉलिटिक्स में आए थे। He was 100% पॉलिटिक्स में भी बिजनेस ही करते थे, एमएलए तोड़ लाए, उसके लिए आए, उसके लिए आए, वो है उन पर। देखो मैं उनके साथ रहा हूँ जी, लेकिन वो बिजनेस माइंडेड थे, और जो एमएलए को इधर उधर ऐसा भी मैंने देखा है, जैसे एक एमएलए की लड़की की शादी है जी, गरीब आदमी है, 51,000 रुपये निदान दे दिया, मैं दे आऊँगा 501। वो उनकी इस ढंग से भी मदद ला लो चाहे जैसे भी कुछ लगा लो जी, लेकिन वो व्यवहारिक आदमी था। मैंने उसको नज़दीक से देखा। आपने आर्य समाज की बात की, आर्य समाज से मेरे को एक चीज़ याद आ गई, अभी हुड्डा परिवार आर्य समाजी है, कटरा आर्य समाजी है बहुत शुरू से ही, चौधरी माथुराम के टाइम से ही, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले दीपेंद्र हुड्डा सरयू नदी में गोते मार रहे थे। ना ये इससे कोई वो नहीं है, ये पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल भी नहीं। देखो भाई साहब जी, मैं सुबह उठता हूँ जी, मैं उठते ही मतलब एक गर्म पानी का गिलास, दो काली मिर्च और एक लौंग, मेरे कोरोना परोना भी ना होया, हर लोग हमने घूमेगा नहीं उपका पिएगा, दो काली मिर्च और एक उपका पीते हैं आप? हाँ उका आप नहीं मानते? मैं पहले नहीं पिया करता जी, मैं सांगवान ने रा दिया ओके के ऊपर जी, मैं हरे पास गया गा, मैं क्यों रा दिया भाई, मैं बोले यार सांगवान की तो बैठ के ओका पी ले यार, तो ओके ना पीते, मैं पी लूंगा भाई ये पीने लगे हूँ जी, पहले नहीं पीता था, बीड़ी सिगरेट नहीं पीता जी, ओका पी लेता हूँ लोगों में बैठ के, घर नहीं लोगों में पीता हूँ। तो मैं आर्य समाज का, देखो ये नहीं है हम सुबह हम कहें कि भाई भगवान सबका भला करे, कोई यूँ कहते आर्य समाजी को नहीं यार तो भगवान का नाम ले, तो राम का नाम ले, तो प्राण, ये चीज़ें नहीं, ये हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे समाज में इन चीज़ों को मान्यता है। राम को सुबह चाहे हरिजन है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे जाट है, सुबह हल चला करते ना 90, आजकल तो ट्रैक्टर आ गए जी, 90% लोग यूँ का आते ले राम का ना भाई, जब हल ने चला कर जी ले राम का ना, वो आर्य समाज भी मैं है उनमें, या कोई ऐसी बात नहीं। और आर्य समाज ये नहीं कहता किसी के धर्म का वो करो, आर्य समाज केवल ये बात कहता है कि भाई हमने अंधविश्वास में नहीं पड़ना, बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें हैं वो करो। अब हरिद्वार का पानी है, आपको मैं बताऊं, वहाँ हरिद्वार से पानी ले आओ जी, चाहे उन्हें एक साल रखे रहो खराब ना हो, और यहाँ फिल्टर कर लो थोड़ा जब भी खराब हो जाए, क्यों
क्योंकि वो सारे मिनरल्स वगैरह मिल मिला के आते हैं, सत कहते हैं सत है पानी में, मतलब मिनरल वगैरह आते हैं ना वहाँ से, तो जो ये चीज़ें हैं नेचुरल सी हैं, इनमें कोई ऐसी बात नहीं है भाई इससे कोई किसी की धार्मिक आस्था के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इस टोपी का क्या राज है मलिक साहब, इस हिमाचली टोपी है तो रमेश कौशिक या पहला कर मैंने सोचा कि इससे अपने बात भी कर दी आपने सोचा कि भाई ये जादू का दरअसल मेरी जी दो बेटी है और एक बेटा है जी। मेरी बड़ी बेटी तो है प्रिंसिपल जी, प्लस टू में गवर्नमेंट सर्विस, उसके घरवाला कस्टम कमिश्नर है जी, वो हरियाणा का इंचार्ज है जी। छोटी मेरी बेटी यहाँ गोर्ड गाँव ना गोर्ड बखेता जी और गोर्ड बेरा की, वो लड़का आईपीएस है जी, उसका कैडर हिमाचल का बेटर बहू बॉम्बे जी, तो इसलिए वो भेजते हैं टोपी में पैर दो बाल उड़ गए बहुत सारे जी, कह पगड़ी बांधो पगड़ी, मेरे जैसे छोटे कद का आदमी बोधा आदमी पगड़ी तो 6 फुट का चाहिए ना जवाची चौधरी देवीलाल जैसा हाँ, और जब कांग्रेसी टोपी पहन लूँ तो बढ़िया अलग हूँ, पगड़ी बांध लूँ तो भाई वो कृष्ण मूर्ति उल्टा जी अलग हो तो हमने भी ये ठीक समझे मलिक साहब दो आखिरी बातें जो आप कहना चाहते हो लोगों को जो आप, मैं तो ये कहूँगा भैया एक काम करो, आज़ादी को मिलने बहुत लंबा अरसा हो गया और जब तक आपके नुमाइंदे ठीक नहीं होंगे पार्टी की बजाय 3 गुण हर नुमाइंदे में देख के चलो, चरित्र सत्यवादी हो और विश्वास पात्र हो, ये चीज़ जिसमें नहीं है वो राजनीतिक नहीं है वो व्यापारी है और धोखेबाज है, सच्चाई के ऊपर चलो चरित्रवान हो वरना ठीक नहीं है। बाकी मलिक साहब हमसे बात कर रहे, कैसा लगा हरियाणा की पंचायत की टीम से? बहुत बहुत बढ़िया आपका चैनल का, मैं कहता हूँ भगवान आगे बढ़ाए आपके कार्यक्रम को और बहुत बढ़िया है, और आप लोगों ने जो ये ठान ली कि हमने लोगों की सर्विस करनी है सेवा करनी है ये बहुत बड़ा उद्देश्य है, इसमें आपकी कामयाबी हो यही बात मैं कहना चाहता हूँ, आपको बहुत बहुत मुबारक भी देना चाहता हूँ, और एक दिन ऐसा आए कि आपके चैनल की छवि सारे हिंदुस्तान में रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जी।